नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, कुछ स्ट्रेचेस हैं, कुछ योगासन हैं और कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों के फुल बॉडी वर्कआउट को कंप्लीट करती हैं। तो आज मैं आप लोगों को तकरीबन 14 मिनट का, या आप लोग कहें 10 मिनट्स टू 14 मिनट्स का वर्कआउट बताऊंगा, जिसमें कुछ स्ट्रेचेस शामिल हैं तो कुछ योगासन शामिल हैं, कुछ एक्सरसाइज शामिल हैं। ये सभी योगासन एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं सुबह। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हर रोज़ आप लोगों को एक नई एक्सरसाइज मिलेगी, जिसका इस्तेमाल करने से आप लोग जो हैं अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं, बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। तो हेल्दी बनाने के लिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले स्ट्रेचेस करें, वार्म अप करें, जो आप लोगों को करना है। वार्म अप करने से क्या हो जाता है, आप लोगों की जो बॉडी है वो अच्छा फील करने लग जाती है। वार्म अप करने से आप लोगों की हड्डियां लचीली बनी रहती हैं। उसके बाद आप लोग स्ट्रेचेस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचेस से, वार्म अप करने के बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचेस से, तो आप लोगों को कौन कौन से स्ट्रेचेस करने चाहिए जिससे आप लोगों की बॉडी जो है वो लचीली बनी रहे। तो सबसे पहले जो स्ट्रेचेस हैं उसमें आप लोगों को कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये सभी आसन जो है आप लोग घर पर कर सकते हैं, ये सभी स्ट्रेचेस आप लोग घर पर कर सकते हैं, और इन सभी स्ट्रेचेस से आप लोगों की बॉडी जो है वो लचीली बन सकती हैं, हड्डियाँ लचीली बन सकती हैं। लेकिन अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें। सबसे पहली स्ट्रेचेस अगर हम लोग बात करें स्ट्रेचेस की, तो उसमें आप लोग क्या करें, अपने एक पैर का घुटना मोड़ लें और दूसरे को आप लोग सीधा कर लें, जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और ऊपर की ओर जो है सर से ऊपर की ओर हाथ जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। अब ये देखिए कि अगर जिनसे ये पॉसिबल है ऐसा करना वो ही ये जो है आसन करें, अदरवाइज ये आसन जो है या स्ट्रेचेस जो है वो नहीं करें। कि अपने पूरे जो गर्दन है, जो अपना सिर है, उसको आप लोगों के जो दूसरा जो पैर है जो सीधा है उसके घुटने पर लगाना है। तो ये स्ट्रेचेस जो है वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है किसी के लिए। तो अगर आप लोगों को लेग स्ट्रेचेस करने हैं, थाई स्ट्रेचेस करने हैं, तो ये योग जो है आप लोग कर सकते हैं। अपने एक पैर को पीछे कर लीजिए, दूसरा पैर आप लोग आगे कर लीजिए और पीछे की ओर आप लोग झुकिए। इससे आप लोगों की जो बैली फैट है, या आप लोग कहें कि जो एब्डोमिनल बैली है, उसके रिड्यूस होने के बहुत चांसेस बनते हैं। क्योंकि इससे स्ट्रेचेस करने से आप लोगों का जो बाहरी फैट है वो जो है वो बर्नआउट होने लगता है। उसके बर्नआउट होने का जो रीज़न है वो क्या है, क्योंकि जब स्ट्रेच करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खिंचाव महसूस करता है, और जो ऊर्जा चाहिए होती है उसे हम लोग फैट सेल्स के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेचेस करने से आप लोगों की बॉडी को अच्छा आराम मिलता है, और आप लोगों की बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा फैट जो है उसे भी रिड्यूस करने में आप लोगों की कामयाब हो जाती है। तो स्ट्रेचेस ज़रूर करने चाहिए घर पर स्ट्रेचेस करने से, या हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तब भी हम लोग अंगड़ाइयाँ लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार का स्ट्रेचेस है। और स्ट्रेच करने से ये देखिए फॉरवर्ड बेंड भी आप लोग कर सकते हैं, जिनके जो बैक फैट होता है उनमें बहुत अधिक मदद करता है फॉरवर्ड बेंड। तो फॉरवर्ड बेंड दूसरा स्ट्रेच है जो आप लोगों के एब्डोमिनल बैली फैट को रिड्यूस करने में, साथ ही आप लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक को अच्छा रखने में हेल्प करता है, और ये आप लोगों को कामनेस भी देता है, यानी कि शांति देता है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है आप लोगों का सर की ओर आता है, और बहुत अगर जो लोग एडिया उठा सकते हैं उसमें वो भी कामयाब होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों की बॉडी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, सिंपल सा जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है वैसा आप लोग कर सकते हैं। ये बॉडी एक्सटेंशन एक्सरसाइज आप लोगों को कार्डियो वर्कआउट भी देती है, आप लोगों को एक प्रकार से फुल बॉडी वर्कआउट भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें स्क्वाट भी शामिल है। और दूसरी जो एक्सरसाइज है इसमें आप लोग कह सकते हैं कि ये जो स्क्वाट फ्लाई एक्सरसाइज, इसका नाम है स्क्वाट फ्लाई एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आप लोगों को जो है आप लोग कह सकते हैं कि जो थाईज का वर्कआउट है, घुटने का वर्कआउट है, उसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। या हम लोग कहें कि आप लोग जो हैं लंजेस जिसमें होते हैं, यानी कि ग्लूट्स हैं, थाई हैं, इनकी टारगेट मसल जो है स्क्वाट फ्लाई एक्सरसाइज की टारगेट मसल जो है वो थाईज हैं, ग्लूट मसल्स हैं। तो ये दोनों मसल्स जो हैं इसमें आप लोग इनको टोन बनाने में आप लोगों को हेल्प मिल सकती है, साथ ही आप लोगों की आर्म पिट जो है उसे भी अच्छा रखने में आप लोगों को मदद कर सकती है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। तो ये देखिए रिवर्स लंजेस तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ओवरहेड, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स लंजेस ओवरहेड। तो ये एक्सरसाइज किस में मदद कर सकती है आप लोगों की, ग्लूट मसल्स इसकी टारगेट मसल्स हैं, इसके थाइज जो हैं वो टारगेट मसल्स हैं,
आर्मपिट जो है वो भी इसकी टारगेट है, शोल्डर्स जो हैं वो भी इसकी टारगेट मसल्स हैं। तो ये सभी मसल्स जो हैं इसमें आप लोगों को बेली फैट भी इवन आप लोग इस एक्सरसाइज से रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वार्म अप टाइप एक्सरसाइज है। इसे आप लोग कंप्लीट करेंगे और सभी एक्सरसाइजेस को आप लोग 30 सेकंड के लिए करें। ध्यान रखिएगा सभी एक्सरसाइज जो है वो 30 सेकंड है। 30 सेकंड्स अगर इन बिटवीन आप लोगों को थकावट महसूस होती है तो आप लोग जो है आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कह सकते हैं फ्रंट किक या लेग किक भी आप लोग बोल सकते हैं। तो फ्रंट किक में आप लोग देखिए कि सामने की ओर किक लगा रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी टारगेट मसल्स होगी आप लोग देखिए। जब आप लोग हाथ को क्रॉस हैंड्स को लेग्स की टॉयज जो हैं उनकी जो टच कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग देखिए ओब्लिक मसल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा टारगेट हो रही हैं। तो हम लोग टारगेट मसल्स अपर बैली को भी यहाँ पर मान सकते हैं। थाइज मसल्स में कोई भी शक की बात नहीं है कि इसमें थाइज मसल्स जो हैं वो टारगेट मसल्स नहीं होंगी। ग्लूट मसल्स भी इसमें टारगेट मसल्स होगी और इवन यहाँ पर कार्डियो भी इसमें शामिल है। कार्डियो भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों का शामिल हो सकता है इसमें और अच्छा रिजल्ट भी देगा आप लोगों को ये एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की आती है इसमें स्टैंडिंग क्रॉस क्रंच। स्टैंडिंग क्रॉस क्रंच में आप लोग देखिए कि टारगेट मसल्स क्या हैं। टारगेट मसल्स आप लोगों की थाइस हैं नो डाउट, ग्लूट मसल्स हैं नो डाउट, बैली मसल्स हैं नो डाउट, और जो आप लोगों की एक्सटर्नल ऑब्लिक्स मसल्स हैं वो भी नो डाउट। तो ये सभी जो हैं सभी मसल्स जो मैंने आप लोगों को बताई ये इनकी टारगेट मसल्स हैं, इनमें आप लोगों को टोंड करने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो ये अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों का जो बॉडी का जो स्ट्रेचेस है वहाँ पर आप लोगों का जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होगा और आप लोग जो हैं हेल्दी बॉडी पा सकते हैं वहाँ उसी शेप में। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की जंपिंग लंजेस। जंपिंग लंजेस में नो डाउट आप लोगों का इतना ध्यान रखना है कि घुटने सही होने चाहिए। घुटने अगर सही नहीं हुए तो इंजरी हो सकती है, तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले। तो रिवर्स लंजेस है, लेकिन ध्यान रखिए जंपिंग लंजेस है इसमें। जंपिंग लंजेस में आप लोग देखिए कि जो कार्डियो वर्कआउट इसमें काम शामिल होता है, साथ ही आप लोगों की जो थाइस मसल्स हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। और कार्डियो है तो डेफिनेटली आप लोगों का बहुत सारा पसीना निकलने वाला है ऐसी एक्सरसाइज करने से। और इस एक्सरसाइज का ये फ़ायदा भी आप लोगों को मिलेगा कि जो बैली फैट है वो भी रिड्यूस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की आती है इसमें प्लैंक प्रेस बैक। प्लैंक प्रेस बैक में आप लोगों की जो टारगेट मसल्स है वो क्या होगी, बैली होगी, ध्यान रखिएगा। और साथ ही आप लोगों के जो आर्म्स मसल्स हैं यानी कि बाइसेप्स जो मसल्स हैं वो भी आप लोगों की इसमें टारगेट मसल्स होगी। तो आप लोग कह सकते हैं कि फुल बॉडी वर्कआउट है, टाइप ऑफ फुल बॉडी वर्कआउट है जिसमें स्ट्रेचेस भी शामिल हैं, आप लोगों के हाथों के जो फैट हैं उनको भी टोंड किया जा रहा है और लेग्स मसल्स को भी टोंड किया जा रहा है, ग्लूट मसल्स को भी टोंड किया जा रहा है, बैली जो है उनको भी अच्छा किया जा रहा है। तो ये आप लोगों को फ़ायदा दे सकती है और आप लोग कह सकते हैं कि ये टोटल फुल बॉडी वर्कआउट है, शामिल कर सकते हैं। 10 मिनट का ये टोटल वर्कआउट है, सभी एक्सरसाइजेस हैं जिसे आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें तो वो है डंकी किक लेफ्ट। पहले आप लोग डंकी किक लेफ्ट को की जो टारगेट मसल्स है वो देखें। डंकी किक लेफ्ट की देखिए कि जो लेफ्ट ओब्लिक्स है वो ज़्यादा इसमें जो है इफ़ेक्टिव हो रही है और बैली भी है, पेल्विक जो पोर्शंस है वो भी इसमें एक्टिवेट होता है। और डंकी किक में आप लोग कह सकते हैं कि जो बैक किक लगा रहे हैं तो उसमें जो थाई मसल्स हैं वो भी आप लोगों की इफ़ेक्टिव हो रही हैं। तो इसमें ये प्लैंक पोजीशन तो इवन आप लोगों की जो आर्म्स मसल्स हैं वो भी इसमें टोंड होंगी। अब हम लोग लेफ्ट किक लगाने के बाद में डंकी किक में हम लोग चलते हैं राइट किक की ओर। तो राइट किक में बताने की ज़रूरत नहीं है कि टारगेट मसल्स क्या होंगी, जो लेफ्ट की होंगी वही आप लोग राइट की कंसिडर कर सकते हैं कि राइट की भी वही टारगेट मसल्स होंगी। लेकिन इसमें आप लोग देखिएगा कि जो फ़ायदा आप लोगों को मिलता है वो मिलता है आप लोगों के ग्लूट्स को, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है डंकी किक में आप लोगों के ग्लूट्स को मिलता है। तो जो जिन लोगों पर हिप्स पर चर्बी है वो सबसे ज़्यादा इनमें फ़ायदा आप लोगों को मिलता है। अब नेक्स्ट फ़ायदा जो है वो ग्लूट यानी कि हिप्स को भी मिलने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है फायर हाइड्रेंट लेफ्ट। फायर हाइड्रेंट लेफ्ट में सबसे ज़्यादा जो टारगेट मसल्स है वो है ग्लूट, ठीक है। तो ग्लूट मसल्स जो है या हम लोग कहें बाइसेप्स है, क्योंकि टेबल टॉप पोजीशन में है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के हाथों पर सबसे ज़्यादा जो है असर होगा। तो फायर हाइड्रेंट में भी आप लोगों की जो मसल्स हैं वो टोंड होती हैं, उनको फ़ायदा मिलता है। लेफ्ट एंड राइट दोनों करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लेफ्ट से स्ट्रेचेस करने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद राइट से ज़रूर करनी चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था।
तो लेफ्ट फायर हाइड्रेंट है, राइट फायर हाइड्रेंट है, इसमें दोनों ग्लूट की जो मसल्स हैं उनमें आप लोगों को उनको एक्टिव करने में आप लोगों को फ़ायदा मिलता है, उनको टोंड बनाने में आप लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग करें, 30-30 सेकंड्स आप लोग करें, 30 सेकंड्स लेफ्ट लेग से करें तो 30 सेकंड्स आप लोग राइट लेग के साथ करें, इसमें आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐसी एक्सरसाइज की जो थाइस के लिए हो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की कौन सी है, थाई लिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, थाई लिफ्ट लेफ्ट में आप लोगों को जो लेफ्ट लेग की जो थाई है आप लोग देखिए कि उसे हम लोग ऊपर की ओर जो है ऊपर और नीचे जो है पुश आउट कर रहे हैं। तो लेफ्ट लिफ्ट लेफ्ट थाई जो है वो आप लोग थाई मसल्स को टारगेट बनाने के लिए कर सकते हैं। और इसमें एक फ़ायदा भी आप लोगों को होगा कि आप लोगों की जो पेल्विक पोर्शन है आप लोगों का, या हम लोग कहें केजल एक्सरसाइज जिसको हम लोग बोलते हैं, केजल एक्सरसाइज भी आप लोग शामिल कर सकते हैं। ये केजल एक्सरसाइज में भी आप लोग इसे काउंट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है थाई लिफ्ट राइट थाई लिफ्ट लेफ्ट, ये आप लोगों की पेल्विक पोर्शन में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने में आप लोगों की हेल्प करता है, साथ ही आप लोगों की जो थाइज मसल्स हैं उन्हें टोंड बनाने में भी आप लोगों की हेल्प करता है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कितने सेकंड के लिए करें, 30 सेकंड्स के लिए आप लोग कर सकते हैं। इसमें भी आप लोगों की थाई मसल्स को बहुत जल्दी जल्दी जो है एक्टिवेट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर हम लोग बात करें तो वो है वुड चॉपर्स लेफ्ट। वुड चॉपर्स लेफ्ट में आप लोगों को वुड चॉप दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर सर के ऊपर की ओर ले जाना है, फिर लेफ्ट की ओर जो है आप लोगों को करना है, उन दोनों को नीचे डाउन जो है वो लेफ्ट की ओर करना है। इसमें जो टारगेट मसल्स होगी वो ऑब्वियसली बात है कि बाइसेप्स होगी, लेकिन आप लोगों की जो ओब्लिक मसल्स हैं वो भी इसमें टारगेट होंगे। वुड चॉपर्स लेफ्ट में और वुड चॉपर्स राइट में, ये आप लोगों की दोनों टारगेट मसल्स क्या होंगी, आर्मपिट्स वाली होंगी, आप लोगों की लेफ्ट एक्सटर्नल ऑब्लिक्स होंगी और राइट एक्सटर्नल ऑब्लिक्स होंगी, इंटरनल ऑब्लिक्स भी इसमें आप लोगों की टोंड होती हैं। तो आप लोग जो है कमर की जो चर्बी है उसे आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने हमेशा ही आप लोगों को कहा है कि जो वर्कआउट्स हैं उन्हें आप लोग ध्यान से करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और फोकस करके करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोग जो हैं स्लिम फिट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो रिवर्स क्रंच एक्सटेंशन है। रिवर्स क्रंच एक्सटेंशन में आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसमें जो टारगेट मसल्स है वो बैली है, सबसे ज़्यादा बैली को इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और थाइस को भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जो थाइस का फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, बैली का फैट रिड्यूस करना चाहते हैं लोअर बैली का खासकर, वो ये एक्सरसाइज जो है रिवर्स क्रंच एक्सटेंशन जो है वो इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसे करना भी आसान है, दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखना है और उसके बाद में थोड़ा सा यूज़ करना है पैरों का ऊपर उठाने की ओर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है कैट एंड काउ योगा, एक प्रकार का पोज है, योगा है। इसमें आप लोगों की जो रीढ़ है स्पाइन है उन्हें बैक पेन होता है, जिनको रीढ़ में पेन होता है वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बिना चिकित्सक सलाह के एक्सरसाइज करना भी थोड़ा सा इंजरी दायक हो सकता है। तो पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर पूछें कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं, तो उसमें ये शामिल आप लोग कर सकते हैं। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको सिर्फ बैली प्रॉब्लम है, जिनको सिर्फ थाई फैट प्रॉब्लम है, फिट बनाना चाहते हैं अपने आप को, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जिनसे होती है वही करें। कैट काउ पोज में भी आप लोगों की जो टारगेट मसल्स हैं वो आप लोगों की स्पाइन रहेगी, खासकर आप लोगों की हाथों की जो मसल्स हैं वो भी रहेंगी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पोज की, जिसे हम लोग कोबरा पोज बोलेंगे। कोबरा पोज जो है आप लोगों के डायाफार्म जो होता है उस पर उसको भी एक्टिव करने में, उसको भी सक्रिय बनाने में अच्छा रहता है, मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथ देता है आप लोगों को, साथ ही आप लोगों की बैक पेन जो होता है जिनको उनमें भी आराम देता है, और साथ ही आप लोगों की बैली भी रिड्यूस करने में आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प करता है। तो ये सभी वर्कआउट आप लोग कर सकते हैं 30 सेकंड्स के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, यानी कि कल मिलेंगे हम लोग एक 30 मिनट्स के वीडियो के साथ, या हम लोग कहें कुछ स्पेशल वीडियोस के साथ जो स्पेशल वर्कआउट्स में शामिल हों। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर। अगर आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।